फिनोटेक्स केमिकल की आज बात करेंगे हम इस वीडियो में। और उससे पहले अगर आपने चैनल पर विजिट पहली बार की है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आप लोग। और साथ में आप अगर स्टॉक से रिलेटेड अपडेट्स रेगुलर पाना चाहते हैं, बैंक निफ्टी ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं और अर्निंग अपनी स्टार्ट करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहां पे आप अपने स्टॉक से रिलेटेड डाउट्स भी पूछ सकते हैं और साथ में आप लोग यहां से अपडेट्स भी पा सकते हैं। फिनोटेक्स केमिकल एक केमिकल सेक्टर का उभरता हुआ शेयर था, है भी और था भी। था भी इसलिए है क्योंकि काफी लंबे अरसे से स्टॉक में करेक्शन है, लास्ट क्लोजिंग देखें तो भी 2% की करेक्शन रही। और है इसलिए भी क्योंकि अभी भी स्टॉक में पोटेंशियल है लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स बनाकर देने का। लास्ट क्लोजिंग की तरफ जाएं तो 6.40 रुपए की गिरावट रही, 325 रुपए के आसपास क्लोजिंग रही है स्टॉक की। 5 दिन की बात करूं तो 45 पैसे के आसपास की बढ़त रही है और ऐसे में यहां पे स्टॉक ने थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज स्टार्ट कर दिया। एक महीने की बात करें तो ऑलमोस्ट स्टॉक 290 के आसपास एक सपोर्ट लेकर दोबारा से रिकवरी पकड़ी, क्योंकि ये जो करेक्शन रही है इसका मेन रीजन रहा था कि निफ्टी ऑलमोस्ट 20,000 पॉइंट से करेक्ट होके 18,900 पॉइंट के आसपास आया था और वहां से जो रिकवरी पकड़ी है उसी के हिसाब से जो है स्टॉक ने भी रिकवरी पकड़ी है। 6 महीने की ग्रोथ देखें तो 7% के आसपास रिटर्न, यानी कि 300 की ही रेंज में स्टॉक जो है लगातार कॉन्सेंट्रेट करता नजर आ रहा है बीते 6 महीने से। एक साल की बात करें तो कोई अच्छे रिटर्न नहीं है, यहाँ पे 1.34% की करेक्शन है। और इसी वजह से मैं कह रहा था कि था भी और है भी इसी वजह से, कि अगर इन लेवल्स को हम देखें तो काफी अच्छी ग्रोथ है, 800% के रिटर्न है। अब ये जो 400 का लेवल था स्टॉक पहुंचा, करेक्शन आई अच्छी खासी, ऑलमोस्ट 240 की रेंज आती है, ऑलमोस्ट 240-230 की रेंज, यहाँ पे सपोर्ट लेकर रिकवरी दिखाई। 300 में शॉर्ट टर्म के टारगेट्स देखने को मिले और बीच में भी जो स्टॉक आप देखेंगे तो 15-16 रुपए की रेंज से बढ़कर 400 के लेवल पर, जहां पे काफी अच्छी ग्रोथ जो है शॉर्ट टर्म के अंदर फिनोटेक्स केमिकल ने बनाई थी। अब केमिकल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां पे रिकवरी, जैसे दीपक नाइट्रेट जैसे बड़े बड़े शेयर्स हैं उनको भी ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं कॉन्सेंट्रेट करते हुए, तो एक अरसा होता है, एक समय होता है, एक पीरियड होता है किसी भी स्टॉक की ग्रोथ का, और ऐसे में कॉन्सेंट्रेशन होना, ठहरना बहुत जरूरी है और वो चीज इस टाइम आप लोग यहाँ पे देख पाए। और कोई भी स्टॉक जब भागता रहता है, जब ऐसा नहीं है कि आपके नोटिस में आया हो और आपको लगे कि क्या पता ये इस लेवल पे आए ना। अब जिन लोगों को उस टाइम ये रैली चल रही थी फिनोटेक्स केमिकल में 300, 350, 400, तो उनको लगा होगा कि क्या पता स्टॉक गिरेगा ही नहीं, हम यहाँ पे बाइंग कर लेते हैं। बट उसके अपोजिट हुआ क्या कि स्टॉक गिरा, 240 तक एक लो बनाया, उसके बाद रिकवरी दिखाई है। टेक्निकल चार्ट से इस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो 408 इज द हाई ऑफ द अक्टूबर, और वहां से लेके अगर आप देखेंगे तो कहीं कहीं अक्टूबर कौन सा 2022 का है, ठीक है, उसके बाद ये 2023 का साल था, यहाँ पे स्टॉक ऑलमोस्ट 230 की रेंज में सपोर्ट लिया, उसके जैसे ही यहाँ पे एक सपोर्ट बना, यहाँ पे बाइंग देखिए आप, अच्छी खासी बाइंग आई, फिर एक थोड़ा सा कॉन्सेंट किया यहाँ पे, फिर बाइंग आई और फिर एक रिटेस्ट किया। यानी कि अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँ, अगर आप यहाँ पे क्लियरली देखेंगे तो एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ मैं, और यहाँ पे मतलब एक हायर लो और ऐसे करके एक ब्रेकआउट जो है हमें स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं देखिए लॉन्ग टर्म में फिनोटेक्स केमिकल रिकवरी अच्छी दिखा सकता है, और ऐसे में देखिए मार्केट में आए हैं तो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिस्क तो रहेगा, लेकिन अगर यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिलता है तो 400 के आसपास तक के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। लेकिन उससे पहले अगर मैं देखूँ तो कहीं ना कहीं जो टारगेट्स हैं वो स्टॉक के हमें इस रेंज में 350 में ये जो लेवल है यहाँ पे स्टॉक अभी है, और यहाँ इस रेंज में आके स्टॉक थोड़ा सा फंस के चल सकता है, क्योंकि ये जो फेज है ये एक कंसोलिडेशन फेज चलेगा और यहाँ से फिनोटेक्स केमिकल में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग कंसोलिडेशन, मार्केट पॉजिटिव रही तो स्टॉक इस लेवल को भी ब्रेक आउट देके 400 के लेवल को फर्दर नए लेवल्स की तरफ चला जाएगा। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और विजिट पहली बार की हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आप लोग।